सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं पवनप्रीत कौर। कैनेडा आ के मैं एक चीज़ नोट कीती कि वैसे तो मैं सुनिया भी हर किसी नूं ही काम लभण च इत्थे मुश्किल हुंदी है, बट जदों तुसी सर्दियां दे मौसम च आउंदे हो ना, उदों प्रॉब्लम्स थोड़ियां होर भी वध जांदियां, क्योंकि एक तां क्रिसमस आ जांदी है, दूसरा इत्थे स्नो दा करके काम बिल्कुल ही रुक जांदा। उहदी वजह नाल काम लभण च मैनूं तां बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो मैं चाहनी हाँ कि मैं थोनों भी इस चीज़ बारे गाइड करा, ता कि थोनू इत्थे आके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कि अज मैं कुछ क एहो जे काम, छोटे छोटे काम जेडे आपां नूं इंडिया तो ही सीख के आना चाहिए, ता कि आपां नूं इधर आके कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पवे। ठीक है, लैट्स बिगिन द वीडियो। हाँ जी, जिवें मैं तुहानूं पहलां ही दस्सिया सी कि आपां वीडियो च डिस्कस करांगे कुछ इहो जिहे काम जिहड़े कि आपां नूं इंडिया तो ही सीख के आने चाहीदे आ इधर आपदी लाइफ थोड़ी जी सौखी बनाउण लई। तां सब तों पहली है, फस्ट ऑफ ऑल तुहानूं सीखनी चाहीदी है ड्राइविंग। ड्राइविंग एक इहो जिही स्किल है जिहदी लोड़ इत्थे हैगी ही हैगी है, चाहे तुसीं गर्ल हो जां बॉय हो, तुहानूं ड्राइविंग आउणी ही चाहीदी है, बिकॉज़ इत्थे बसिस ते बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुंदा। दूसरी चीज़ की है, जे थोनू ड्राइविंग नहीं आती, तुसी इधर लाइसेंस बनवाना भी है ना, तो थोनू लाइसेंस बनाने दे लई पहला टेस्ट देना पैंदा G1 बोलदे आ उहनू। दैन उस तो बाद च थोनू की करना, 8 मंथ्स लई तुसी वेट करनी है, जां अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर भी हो सकता, तां इन्ना टाइम तुसी वेट करोगे, नैक्सट तुसी फिर एलिजिबल होवोगे तुसी उहदा पेपर देने लई, नैक्सट मतलब G2 देने लई। दैन की हुंदा गा, G2 तो बाद होर भी कोई इन्हां दा पेपर हुंदा, फिर तुहानूं जाके ड्राइविंग लाइसेंस मिलदा गा। तां इस चीज़ दा करके इत्थे बहुत ही ज़्यादा इह प्रोसैस टाइम कंज्यूमिंग आ, तां तुसीं कोशिश करो घट्टो घट्ट गर्ल्स ने जिहड़ियां उह गड्डी नूं थोड़ा जिहा कंट्रोल करना, जां मतलब स्टेयरिंग नूं संभालना तां तुहानूं घट्टो घट्ट आउंदा ही होवे, तां जो इधर आ के आपां नूं आसानी होवे गड्डी चलाउण च। ड्राइविंग अगर आपां सीख के आउणे आ, उहदा फायदा की आ? अगर आपां नूं ड्राइविंग अच्छी तर्हां आउंदी आ, आपां इधर आ के आपदा एक्सपीरियंस भी हैगा अपना, है ना, तां आपां अपनी ऊबर स्टार्ट कर सकदे हाँ, जां आपां एज अ डिलीवरी दा काम आपां नूं मिल सकदा। ठीक है जी, दैन सैकेंड प्रोफेशन ते आ जाओ। सैकेंड नंबर ते आउंदा है कुकिंग दा। कुकिंग स्किल इत्थे बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिवें तुसी देखिया ही होना गा वीडियोज़ च, जां वैसे तुसी सुनिया होना कि इधर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपां नूं पिज़्ज़ा हट, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, इहो जिहियां जगह ते ही काम मिलदा। तां तुसी कोशिश करो कि तुसी कुकिंग सीख के आओ, क्योंकि एवें हुंदा जे आपां नूं इह काम आउंदा है तां आपां अपना घर भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इत्थे लोग की करते हैं आपदा बेसमेंट दे विच ही समान लिया के रख लेंदे आ, जिवें थोनू कुलचे आउंदे आ, समोसे आउंदे आ, जां बर्गर वगैरह आउंदे आ, पिज़्ज़ा आउंदा थोनू, इहो जिहियां चीज़ां कुक करनियां आउंदियां ने, तां तुसी आपदा बेसमेंट तो ही काम शुरू कर सकते हो। काम कुकिंग तो नैक्सट आ गया ब्यूटीशियन दा। ये गर्ल्स लई थोड़ा जिहा मतलब इंट्रस्टिंग रहूगा, बिकॉज बॉयज़ तां इहदे विच इंट्रस्टड नहीं हुंदे गे। तां गर्ल्स की कर सकदियां, नेल आर्ट स्पैशली इत्थे बहुत ज़्यादा वर्थ है नेल आर्ट दी, तां तुसीं की कर सकदे हो इहो जी चीज़ां, है ना, सीख के तां तुसीं अपना बेसमेंट दे विचों ही स्टार्ट कर सकदे हो, सेम एज कुकिंग दे, कि तुसीं आपदी एडवरटीजमेंट करो, ग्रुप्स वगैरह दे विच एडवरटीजमेंट करो, जां आपदे फ्रेंड्स नाल शेयर करो कि मैं इह काम शुरू कर रही हाँ, तां तुसीं आपदा घर बैठ के ही आपदा वधिया काम ला सकते हो। इत्थे लोग खुद चल के थोड़े को आउणगे, तुहानू ना तो किसी नू जाके आपदा सर्टिफिकेट शो करन दी लोड़ आ, क्योंकि सर्टिफिकेट होवे ना होवे आपां नू अपने विच स्किल होनी चाहीदी आ। तां अपने कोल अगर स्किल हैगी आ, तां उह डेफिनेटली किते ना किते काम जरूर आऊगी, तां तुसीं आपदा आपदा घर बैठ के ही काम शुरू कर सकते हो, लोग खुद चल के थोड़े कोल आउणगे। ठीक है जी, दैन तुसीं होर की सीख सकते हो गर्ल्स लई ही हैगा फोर्थ काम भी, तुसीं स्टिचिंग दा सीख सकते हो। अगर थोनू स्टिचिंग आउंदी आ वधिया तरीके नाल, थोनू सूट वगैरह स्टिच करने आउंदे आ, जां शर्ट्स वगैरह आउंदियां, है ना, तां बॉयज़ इत्थे सिंपल पग दी सीन मरवाउंदे ही अपने $40-$50 पे करते आ, जां जिवें लोअर्स वगैरह दी फिटिंग करवाउणी हुंदी आ उहनां ने, जां मन लो जिवें हुण इत्थे मम्मी तां हुंदी नहीं, कोई शर्ट वगैरह उहनां दी फट गई आ, जां बटन वगैरह लाउणे आ, इहो जिहियां छोटियां छोटियां चीज़ां दे ही तुसीं बहुत सारे पैसे डॉलर कमा सकदे हो। तां
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੂਟ ਸਟਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।